वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर गुरुवार को जीआरपी रेलवे पुष्पांजलि देवी की अध्यक्षता में एक सेमिनार का आयोजन रेलवे स्टेशन स्थित हॉल में किया गया। सेमिनार में जीआरपी जवानों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों द्वारा कोरोना से बचाव के टिप्स बताए गए। राजकीय रेलवे पुलिस यात्रियों की सुरक्षा करते हुए अपनी भी सुरक्षा कर सके, मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक ने जवानों को बताया कि ड्यूटी के दौरान जहाँ विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, वहीं ड्यूटी के बाद घर पहुँचने पर भी एहतियात बरतने की जरूरत है, जिससे कोरोना जैसे घातक बीमारी से बचाव हो सके। इस संबंध में जीआरपी एसपी पुष्पांजलि ने बताया कि जीआरपी की सुरक्षा के लिए विभाग पूरी तरह से संवेदनशील है। राजकीय रेलवे पुलिस को यात्रियों की सुरक्षा के साथ खुद को भी सुरक्षा जरूरी है, उसी के मद्देनजर सेमिनार का आयोजन किया गया है। एसपी रेलवे ने कहा कि जीआरपी यात्री सुविधाओं के साथ सेवा का भी काम कर रही है। लगातार आ रही श्रमिक ट्रेनों में जहाँ श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम कर रही है, वहीं उनके साथ आए महिलाओं बच्चों के लिए भी बिस्कुट पानी की व्यवस्था किए हुए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी ने कहा, एक पांव पोंछ घर के बाहर रखिए, उससे सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से भिगा दीजिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड 4 घंटे काम करता है, हमेशा 4 घंटे में दूसरा आपको बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर आप जूते साफ करके, तब जूता बाहर ही छोड़िए, जूता अंदर लेके नहीं जाइए, तो आपका सोल साफ हो जाएगा। और रही बात ऊपर की, तो आप हैंड रब से या जो कुछ और चीज डिसइंफेक्टेंट होती है उससे बाकी चीज़ों को साफ कर सकते हैं। कोशिश करें कि ये जूते जो आप ड्यूटी पे पहन रहे हैं वो घर के अंदर ना जाए, वो बाहर के हिस्से में रहे, अगले दिन आप ड्यूटी जाए फिर लेके चले जाए, वो घर के अंदर ना जाए। और सोल सबसे ज़्यादा गंदा होता है, उसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड पॉम्पोश में गिरा करके, गीला करके उसके बाद उससे साफ कर देंगे। इससे होगा क्या, डॉक्टर ने बताया, जो वायरस के ऊपर फैट की लेयर होती है वसा की, वो टूट जाएगी, वायरस खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। Thank you.
आज जीआरपी रेलवे स्टेशन गोरखपुर के यात्री हॉल में बीआरडी मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टर साहिबान ने कोरोना से बचाव हेतु क्या करें और क्या न करें इसी संबंध में जो एक सेमिनार की है, और इसमें मुख्यतः कैसे हाथ को धुलना है लगातार, सैनिटाइज़र का प्रयोग कैसे करना है, मास्क सही ढंग से कैसे लगाना है, अपनी जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ चीज़ें हैं जैसे मोबाइल वगैरह उसको कैसे सैनिटाइज करना है, जब आप बाहर से आते हैं तो घर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। खासकर स्टेशन में देखा जाए तो काफ़ी ट्रेनें आ रही हैं और आने वाली हैं, और कोरोना का बचाव के लिए इन लोगों को क्या सलाह दिया गया? देखिए, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए हमने सबसे पहले सेफ्टी का प्रोटोकॉल सेट किया था कि पर्सनल हाइजीन और एरिया हाइजीन कैसे होगी ताकि हम सेफ रहें, उसके लिए सेट करके शुरू में ही ब्रीफिंग ट्रेनिंग कराई गई थी। उसके लिए जो संसाधन है जैसे मास्क, चश्मे, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, सोप, हेड कवर इत्यादि, फेस शील्ड, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं, और फिज़िकल जो डिस्टेंसिंग की एक बात है वो भी लगातार फॉलो की जा रही है ताकि जो है सभी लोग सुरक्षित रहें। डॉक्टर भी आए थे, चिकित्सक आए थे, तो कुछ खास जो है चिकित्सा के संबंध में बताएं सर। उन्होंने विशेष रूप से ये बात बताई कि जो कोरोना से बचने का यही उपाय है कि लगातार अपनी साफ सफाई पर ध्यान रखना है, केवल अपने साफ सफाई के साथ साथ जो आपके आसपास में साथी हैं जो हो सकता है कभी प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको भी बताना है, उनसे भी प्रोटोकॉल फॉलो करवाना है, और ये प्रक्रिया जो है लगातार जो साफ़ सफाई की करते रहे हैं। जीआरपी लगातार आपकी मदद कर रही है, जीआरपी के जवानों के लिए, उन सिपाहियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो है जीआरपी के जवान, हमारे ऑफिसर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और जो है जितना जो है यात्रियों के लिए जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, यात्रियों की सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, सब चीज़ों को हम करा रहे हैं। तो मेरा जो है यही है कि मैं जो है अपने लेवल पर भी इनको प्रोत्साहन हेतु रिवॉर्ड इत्यादि प्रदान करूँगी। इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे भी मैं रिकमेंड करूँगी, वो भी इनको प्रोत्साहन करने हेतु, इनको प्रोत्साहित करने हेतु जो है रिवॉर्ड इत्यादि प्रदान करें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो हम जिस सर्विस में हैं, पुलिस जो एक सर्विस है, एक सेवा है, और जब हम इस सेवा में आते हैं तो सबके मन में ये बात है कि हमारा जो सेवा में आने का उद्देश्य है वो वही जनता की सेवा ही हमारा उद्देश्य है, और जो एक सेल्फ मोटिवेशन है, स्वयं मोटिवेट होकर, स्वयं प्रेरित होकर जनता की सेवा करना, वही एक भावना है जिससे हम अपनी ड्यूटी और जो कर्तव्य है बहुत अच्छी तरह लगातार संपादित कर सकते हैं। सेवा की बात कर रहे हैं तो यार ट्रेन आ रही है, तमाम बच्चे भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, उनके पैसे, उनके लिए भी क्या जीआरपी द्वारा कोई व्यवस्था है? जी, हमने जो है ये जो एक कम्युनिटी किचन जीआरपी द्वारा लगातार चल रहा था उसको हमने इधर रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ दिया था। उसमें जो महिलाएं हैं, जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम खाना प्रदान करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही उनको बिस्किट, मट्ठा, पानी, साबुन इत्यादि प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी ऐसा भी इंसिडेंट होते हैं जिसमें बच्चे आते हैं जिनको दूध इत्यादि की आवश्यकता होती है, तो वो भी हम तुरंत टाई अप करके उनको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं।